नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं रामचरितमानस का सुंदरकांड। तो आइए आज देखते हैं सुंदरकांड में तुलसीदास जी क्या कहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी ने दोहा है, ये चौथा दोहा है, आप ये ध्यान में रखें। इसमें वो क्या कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूल ने ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग के महत्व का वर्णन यहाँ पर किया है। वो कहते हैं कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष दोनों का सुख धरियु, धरो यानी रखो, तुला एक अंग, एक तुला के भाग। तुला क्या होता है, तराजू, तराजू जो दो पलड़ों में बटी होती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक पलड़े में यहाँ पर आप सुख रख सकते हो, स्वर्ग रख सकते हो, स्वर्ग और मोक्ष ये चीज़ें, सब सुखों को एक तराजू के एक पलड़े में रखो। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरियु तुला एक अंग, यहाँ पर स्वर्ग मोक्ष और सुख जो सारे संसार के सुख हैं उन सब को मिलाकर एक पलड़े में रखो। तब भी तूल न ताही सकल मिली, तब भी सकल यानी सब मिलकर तुलना नहीं कर सकते सुख लव सत्संग। और दूसरा तराजू है इसमें क्या रखो, सत्संग रखो, संतों की संगति या जो राम के भजन करने वाली सत्संग है उसको रखो। तो कहते हैं कि सब सुख के बराबर वो, इस जो यहाँ से सुख मिलता है इस सुख के बराबर बराबरी ये सभी भी नहीं कर सकते, यानी एक पल की सत्संग भी सभी सुखों से अधिक सुखदाई है, सभी सुखों से अधिक सुख देने वाली क्या है, सत्संग है। तो यहाँ पर वो श्री राम के सत्संग की बात करते हैं और ये कहते हैं कि संसार के सभी जो सुख हैं वो एक तरफ और सत्संग का सुख एक तरफ, तब भी जो सत्संग का पलड़ा है वो भारी रहेगा, ये पलड़ा फिर भी हल्का है। तो यहाँ पर सत्संग के बारे में बता रहे हैं कि थोड़े समय की सत्संग भी स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर है। तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि परवीसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलपुर यानी अयोध्या के राजा कौन है, राम। राम को कहाँ पर रखो, अपने हृदय में, हृदय में राम को रखकर क्या करो, परवीसी नगर, प्रवेश किया नगर में, कीजे सब काजा। और अगर हम राम या रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, कीजिए सब काजा यानी काम, सब काम कीजिए। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गरल क्या होता है, जो विष होता है, विष को क्या कर देते हैं, सुधा यानी अमृत। विष को भगवान राम क्या बना देते हैं, अमृत बना देते हैं। अगर मन में राम का नाम है तो विष भी अमृत बन जाएगा। रिपु यानी शत्रु करही मिताई, मिताई क्या होता है, मित्रता, और शत्रु भी तब क्या हो जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। गोपद सिंधु अनल सितलाई, सिंधु यानी सागर, सागर भी कौन सा, महासागर, कैसा हो जाएगा, गोपद गऊ के खुर के समान जितना छोटा हो जाएगा, जितना छोटा गऊ का या गाय का खुर होता है उसके समान छोटा विशाल महासागर भी जब राम का नाम मन में बसा है तो एक बड़ा महासागर या सागर भी गाय के खुर के समान छोटा हो जाएगा। और अनल शीतलाई, और अग्नि भी क्या देगी, शीतलता प्रदान करने लगेगी, यानी अग्नि में भी शीतलता आ जाएगी। तो यह कहने का भाव क्या है कि राम का नाम अगर मन में हो तो मुश्किलें या विपरीत परिस्थितियां भी बदल जाती हैं, जो कठिनाइयां हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। देखिए यहाँ पर क्या है कि हे गरुड़, सुमेरु पर्वत, सुमेरु यानी जो सुमेरु पर्वत एक बड़ा विशाल पर्वत माना जाता है, वो रेणु यानी धूल, सम यानी समान, ताही उसके लिए, कि एक बड़ा विशाल पर्वत भी धूल के समान हो जाता है किसके लिए, राम कृपा करी चितवा जाही, जिस पर राम कृपा करके एक बार चितवा यानी दृष्टि डाल देते हैं, कि राम अपनी कृपा दृष्टि जिस पर डाल देते हैं उसके लिए सुमेरु पर्वत भी कैसे हो जाता है, धूल के समान, रज के समान हो जाता है। तो यहाँ पर गरुड़ जी को बता रहे हैं, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना,
और क्योंकि हनुमान जी पर रामचंद्र जी की कृपा है तभी हनुमान जी अति लघु रूप धरेउ, अति लघु रूप अति छोटा रूप धारण किया और पैठा नगर सुमिरी भगवाना, पैठा यदि प्रवेश कर गया किसमें, लंका नगरी में, कैसे सुमिरण करके, किसको, भगवान श्री राम को, कि भगवान राम का ध्यान करके हनुमान लंका में प्रवेश कर जाते हैं। तो यह राम नाम की महिमा का वर्णन किया गया है कि जो राम नाम की महिमा को समझते हैं या जिस पर राम कृपा दृष्टि कर देते हैं उसके लिए पर्वत के समान विशाल कठिनाइयां भी रज के समान हो जाती हैं, अर्थात परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। इसीलिए हनुमान भी छोटा सा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर गए क्योंकि उनके मन में कौन बसे हैं, राम बसे हैं, अपने भगवान श्री राम को याद करके हनुमान लंका में प्रवेश कर जाते हैं। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, और हनुमान लंका में प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं, मंदिर मंदिर प्रत्येक मंदिर प्रत्येक महल की करी शोधा, शोध यानी खोज करना, किसकी खोज करना, वो माता सीता को ढूंढ रहे हैं। देखे जह तह अनगिनित योद्धा, जो योद्धा यानी योद्धा, योद्धा कौन है, जो वहाँ पर रावण की सेना के वीर सैनिक हैं वो उन्हें जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ कौन दिखाई दिए, उन महलों में जहाँ हनुमान माता सीता को खोज रहे थे वहाँ पर उसने अनेक योद्धाओं को देखा। गयउ दशानन मंदिर माही, जब यहाँ इन अनेक महलों में मंदिरों में माता सीता दिखाई नहीं दी तो हनुमान जी गए, कहाँ पर गए, दशानन यानी दश मुख वाले रावण के मंदिर यानी महल में। अति विचित्र कही जात सो नाही, और वो महल कैसा है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है, कही जात कहा नहीं जा सकता, सो नाही उसके बारे में नहीं, कि वो एक अलग ही प्रकार का महल है उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपि तेही, शयन यानी जो शयन कक्ष था वहाँ उसने देखा, कपि तेही वहाँ पर किसने, हनुमान जी ने रावण के शयन को देखा। मंदिर महुने दिखी वैदेही, वैदेही यानी जो सीता है, माता सीता उस महल में न दिखी, नहीं दिखाई दी। भवन एक पुनि दिख सुहावा, तभी हनुमान को एक अलग ही भवन दिखा और वो कैसा था, सुहावना था। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, क्यों अलग था वो, क्योंकि वहाँ पर हरि यानी राम का एक मंदिर बना हुआ था जो सबसे अलग प्रकार से या सबसे अलग दिखाई, भिन्न या अलग दिखाई दे रहा था। तो क्योंकि रावण के महल में जब हनुमान जी को जानकी नहीं दिखती या सीता नहीं दिखती तो फिर अचानक उन्हें एक सुंदर महल दिखाई देता है, वो अलग से क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही मंदिर बना हुआ है जिस जो किसका मंदिर है, भगवान या श्री राम का मंदिर है। तो आज के लिए इतना ही। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके हैं, रावण के महल को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देख लिया लेकिन माता सीता उन्हें दिखाई नहीं दी। तभी अचानक उनकी नज़र एक विशेष भवन पर पड़ी, क्यों विशेष था, क्योंकि वहाँ पर भगवान हरि या ईश्वर का जो मंदिर है वो अलग प्रकार से वहाँ बनाया हुआ था। अब ये मंदिर किसका है इसके बारे में आगे जानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको छंद बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।